गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड एजुकेशन विद वासरमा। आज हम जानने वाले हैं अपने आगरा के बारे में, आगरा एक नज़र टाइटल के अंतर्गत। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है आगरा का, वो कितना है? 243,286 किलोमीटर। और यहाँ का एक दूरभाष नंबर है जो डॉट फोन डायल करने से पहले लिखना होता है, वो है 0562। जब भी आप कोई दूरभाष नंबर लगाएंगे यानी टेलीफोन नंबर लगाएंगे तो उससे पहले आपको ये डालना ज़रूरी होता है, इसके बाद ही आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए नाम के बारे में जान लेते हैं। वैदिक काल में आगरा को अग्रवन तथा अग्रवाण कहा जाता था, फिर ऋषि अंगिरा के नाम पर अंगिरा कहा गया। एक विदेशी तौलवी जिसका नाम तौलवी था तथा अन्य अंग्रेजों विदेशियों से इसका उच्चारण आगरा के स्थान पर अंगिरा के स्थान पर आगरा प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वो उच्चारण में अंगिरा नहीं कह पाते थे, आगरा कहते थे, तो इसलिए आगरा का नाम प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान में ये आगरा हो गया है। राजधानी के बारे में क्या है कि 1556 से यानी 1556 से 1648 यानी 1648 तक मुगलों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो पहले क्या थी? आगरा भी थी। किसने बनाई थी? मुगलों ने अपने समय में। अब यह महानगर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई है, सबको पता है ना। महत्व तो क्या है? आगरा भारत का 23वां तथा उत्तर प्रदेश का 30रा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अच्छा, जनसंख्या में 23वां है भारत में, और वैसे शहरों में भारत कौन सा है? 24वां। भारत का आगरा अपना स्थान जो रखता है वो 24वां रखता है, लेकिन जनसंख्या में 23वां, यानी एक डाउन में। लगभग यहाँ की जनसंख्या जो कितनी है? 52.54 लाख है ना, लाख है। आगरा भारत का ऐतिहासिक शहर है। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध शहर है ये। यहाँ की जो ऑफिशियल भाषा है, सरकारी ऑफिसों में कार्य होता है, वो होता है हिंदी में और उर्दू में, तथा यहाँ की क्षेत्रीय भाषा क्या है? ब्रज है। जो आम बोलचाल की भाषा है वो कौन सी है? ब्रज है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध स्मारक कौन कौन से हैं? आगरा में कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं जिनका निर्माण मोस्टली किसने कराया है? मुगलों ने कराया है। आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ विश्व के 7वें आश्चर्य ताजमहल के अतिरिक्त लाल किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा जो कि भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है, सबसे ऊंचा दरवाज़ा माना था, चीनी का रोज़ा ये भी आगरा में ही है, अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है जिसे सिकंदरा के नाम से भी जानते हैं, मरियम टॉम्ब जो ईसाइयों का चर्च है वो भी बहुत पुराना है, और जामा मस्जिद जो कि फेमस है आगरा की, तथा एतमादौला जो कि ताजमहल से भी 25 वर्ष पुराना है आदि है। अच्छा, शासन व्यवस्था में यहाँ पे जान लेते हैं। शासन व्यवस्था आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा किसने की थी। यहाँ नगर निगम है, यहाँ पे क्या है? नगर निगम है। जो भी हमारे जैसे पानी का, बिजली का, ये जो भी कार्य होते हैं कानूनी, जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो यहाँ पे नगर निगम है, ठीक है, जिसके वर्तमान मेयर कौन है? नवीन जैन है, ठीक है, क्योंकि नगर निगम के माध्यम से ही हम अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। आगरा में लगभग 40 थाने हैं। कितने थाने हैं? 40 हैं। ब्लॉक कितने हैं? 15। और यहाँ के जो डीएम हैं, डीएम बहुत पूछे जाते हैं आगरा के, बदलते रहते हैं, याद रखिएगा। फिलहाल यानी 10 अप्रैल 2022 आज के दिन है ना, 10 अप्रैल 2022 को वो कौन है यहाँ पे डीएम? श्री प्रभु नारायण सिंह जी। एसएसपी कौन है इस समय? सुधीर कुमार सिंह जी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, और आप सब ने अगर ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप हमें आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन देखिए फिर आप और राइट डाउन कर लीजिए और फिर ध्यान से। ये रहा आपका होमवर्क, प्रश्न नंबर 1, आगरा के 2 प्रसिद्ध उद्योग बताइए। प्रश्न नंबर 2, आगरा नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो कमेंट कीजिएगा हमें, और तब तक अपना ख्याल रखिए।
टेक केयर, बाय, अगले वीडियो तक।